दोस्तों, पीएम मोदी ने नए साल का केंद्र कर्मचारियों को दिया तोहफा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। नमस्कार साथियों, आपका हमारे आज के इस आर्टिकल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स की फिर से होगी मौज, क्योंकि सरकार दे सकती है एक साथ दो बड़े तोहफे। बता दें कि माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को आवंटित राशि में बढ़ोतरी करेगी, जिसके बाद मूल वेतन में बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा सरकार तैयारी फैक्ट्री में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर सकती है, जिससे काफी फायदा होगा। महंगाई के दौर में अगर सरकार दोनों फैसले लेती है तो यह एक बूस्टर डोज होगा, जिससे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह फैसला नहीं लिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि यह जल्द ही लिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों घोषणाएं लोकसभा चुनाव से पहले संभव मानी जा रही हैं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताते चले कि केंद्र कर्मचारियों को आवंटित राशि में जल्द ही 4% की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद डीए को बढ़ाकर 4% कर दिया जाएगा, जिससे मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकेगी। हालांकि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को वर्तमान में आवंटित राशि का 46% मिलता है। यदि अब यह राशि बढ़ाई जाती है तो 10 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जल्द ही इस दावे की घोषणा की जाएगी। हालांकि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल में 2 बार डीए बढ़ाया गया है। बता दें कि दरें 1 जुलाई और 1 जनवरी से लागू होती है। अगर आप आपका डीए भरता है तो आपकी दरें 1 जनवरी से लागू होंगी। हम आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्र कर्मचारियों के लिए लुभावने फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार ने काफी समय से स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं बढ़ाया है, जिसे अब मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार गठन कारक को 2.60 गुना से 3.0 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इससे बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि स्तरीकरण कारक कब बढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने आपको 7th पे कमीशन न्यूज से जुड़ी पूरी जानकारी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आप भी आगे ऐसी जानकारी फुल वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।